मोदी न होते तो एक और परमाणु हमला हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी। आज की रिपोर्ट में बात करेंगे यूक्रेन और रशिया की। पुरानी तस्वीर है ये, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर रूस और यूक्रेन जंग की है। रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन तबाह हो गया है, लेकिन यूक्रेन की ये तबाही और बड़ी हो सकती थी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त पर पहल न की होती। जी हाँ, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के 2 साल बाद खबर आ रही है कि जंग के दौरान यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले का खतरा खड़ा हो गया था, लेकिन इस हमले को रोकने में पीएम मोदी के साथ कुछ देशों के नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। CNN ने बाइडेन प्रशासन के 2 सीनियर अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया है। CNN की खबर के मुताबिक बाइडेन प्रशासन को डर था कि यूक्रेन पर रणनीतिक लाभ के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के परमाणु हमलों की आशंका के बीच अमेरिका ने भारत समेत उन देशों से मदद मांगी थी जो इस जंग में तटस्थ थे। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी और दूसरे देश के नेताओं की पहल और बयानों से यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले के खतरे को टालने में मदद मिली। जंग के दौरान पीएम मोदी का एक बयान काफी चर्चा में है। उज्बेकिस्तान में SCO समिट के दौरान पुतिन से मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के परमाणु हमले की आशंका उस वक्त खड़ी हुई जब यूक्रेनी सेना दक्षिण में रूस के कब्जे वाले खेरसन पर आगे बढ़ रही थी और उन्होंने पूरी रूसी सेना को घेर लिया था। अमेरिकी प्रशासन के अंदर चर्चा थी कि दोनों देश के बीच खेरसन में पैदा हुई स्थिति परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए संभावित ट्रिगर हो सकती है। इसके बाद अमेरिका ने भारत सहित अन्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद मांगी। रूस यूक्रेन जंग में पीएम मोदी की कूटनीति की खुलकर तारीफ हुई। वो अपनी कूटनीति से दोनों पक्षों को साधने में कामयाब रहे। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर पीएम मोदी ना होते तो शायद एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में